2.5 माइक्रोफैरेड के 15 कैपेसिटर्स सीरीज में इनको चार्ज करते हैं, देखिए हम क्या होगा। ओ आवाज़ की थी, चुट 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 चुट, ये देखो। ओके अब इनको डिस्चार्ज करने की कोशिश करते हैं, देखना क्या होता है। तो इतना तेज स्पार्क नहीं बना। तो अभी कैपेसिटर के वायर बिल्कुल सही डायरेक्शन में लगे हुए हैं और मैंने एक वायर में हल्का ब्लैक निशान भी लगा दिया है। और अगर हम लोग फैन को चलाते हैं तो देखो फैन एकदम सीधी डायरेक्शन में घूमता है। लेकिन क्या होगा अगर हम लोग इस कैपेसिटर के वायर की डायरेक्शन चेंज कर दें, क्या ये उल्टा घूमेगा या नहीं, चलिए चेक करते हैं। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक फैन में बहुत सारे कैपेसिटर्स पैरेलल में कनेक्ट कर दिए थे और आपने वो वीडियो बहुत पसंद किया। इवन बहुत सारे कमेंट आए, बहुत सारे वेरिएशंस आए और बहुत सारी क्वेरीज आई इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग उन्हीं क्वेरीज पे काम करने वाले हैं। नंबर एक, फैन में लगने वाले कैपेसिटर्स की पोलैरिटी, यानी कि अगर कैपेसिटर जो लगा है उसे उल्टा लगा दें तो क्या फैन भी उल्टा चलेगा, ये भी चेक करेंगे। नंबर दो, इवन नंबर और ऑड नंबर में कैपेसिटर्स, यानी कि दो या फिर तीन कैपेसिटर्स लगाने में फैन के डायरेक्शन में फर्क पड़ेगा या नहीं, ये भी देखेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इतने सारे कैपेसिटर्स को पैरेलल में लगाया था और आज सीरीज में लगाएंगे, वो भी इवन नंबर और ऑड नंबर के साथ। ठीक है, चलो एक एक ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले कैपेसिटर्स के वायर की डायरेक्शन चेंज करने वाले हैं, चलो देखते हैं उल्टा चलेगा या नहीं। आप लोग ध्यान से वायर देख लो कौन कैसे लगा हुआ है, इसे मैं चेंज करता हूं। तो बिना वायर चेंज किए इसकी डायरेक्शन सीधी है। अब की बार कैपेसिटर के वायर उल्टा हो गए, आप लोग देख लो ये वाला ऊपर आ गया है। और अब चलाते हैं, देखते हैं डायरेक्शन, अभी भी फैन सीधा ही चल रहा है, देखा आप लोगों ने। तो कैपेसिटर की डायरेक्शन बदलने पर फैन की डायरेक्शन नहीं बदली। दोस्तों कैपेसिटर्स कई टाइप्स के होते हैं, ये नॉन पोलर वाला, अगर पोलर वाला होता ना तो उसमें प्लस माइनस लिखा हुआ होता। और इसी वजह से क्योंकि नॉन पोलर है, कैपेसिटर के डायरेक्शन बदलने पर फैन की डायरेक्शन नहीं बदली, फैन सीधा ही चला। लेकिन 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 यहाँ पे एक चीज अभी देखना ध्यान से, कैपेसिटर की डायरेक्शन ना बदल के यहाँ पे जो दो वायर आए हैं स्टार्टिंग बाइंडिंग के, इनकी डायरेक्शन को ही बदल दें। जो ऊपर था कॉमन वाला उसे नीचे लगा दें और जो नीचे था उसे हम लोग ऊपर लगा दें। देखो अब की बार व्हाइट वाला नीचे आ गया है और ब्लैक वाला ऊपर आ गया है, तो हमने वायर की डायरेक्शन चेंज कर दिया। ठीक है, और अब दिखाता हूं मैं आपको, तो देखना अब की बार फैन उल्टा चलने लगा। तो देखा आप लोगों ने, कैपेसिटर की डायरेक्शन ना चेंज करके हमने स्टार्टिंग वाइंडिंग के वायर की डायरेक्शन चेंज कर दी, इससे फैन हमारा उल्टा चलने लगा। तो भाई पहले पार्ट में हम लोगों ने देख लिया कि भाई कैपेसिटर की डायरेक्शन बदलने पर फैन की डायरेक्शन नहीं बदलती है, स्टार्टिंग वाइंडिंग के वायर की डायरेक्शन बदलने पर फैन की डायरेक्शन बदल जाती है। ठीक है, अब आते हैं दूसरे पार्ट में। अब हम लोग क्या करेंगे, इवन नंबर और ऑड नंबर के कैपेसिटर्स लगाएंगे पैरेलल में। तो ऐसा करते हैं, दो लगाते हैं और फिर तीन लगाते हैं और फिर देखते हैं डायरेक्शन चेंज होगी या नहीं होगी। तो अब की बात दो कैपेसिटर्स है, यानी कि इवन नंबर में है वो भी पैरेलल में है। ठीक है, और वाइंडिंग के वायर एकदम सही जोड़ दिए मैंने, कॉमन वाला व्हाइट वाला देखो बीच में और ब्लैक वाला नीचे, तो फैन को सीधा ही चलना चाहिए। अब देखते हैं कि इवन और ऑड नंबर का फर्क पड़ेगा नहीं। तो चलाते हैं फैन को, फैन बिल्कुल सीधे डायरेक्शन में ही चला। अब की बार तीन कैपेसिटर्स लगाते हैं, ठीक है, और फिर देखते हैं डायरेक्शन में कोई चेंज होता है या नहीं। अब की बार तीन कैपेसिटर्स यानी कि ऑड नंबर में लगे हुए हैं, वाइंडिंग एकदम सही लगी हुई है, क्या डायरेक्शन चेंज होगी या नहीं देखते हैं। जी बिल्कुल नहीं, अभी भी डायरेक्शन चेंज नहीं हुई। तो इससे हमें क्या मालूम चला कि भाई इवन और ऑड नंबर के कैपेसिटर्स का फैन की डायरेक्शन में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा, पंखा हमेशा सीधा ही चला, चाहे दो लगे थे या फिर तीन लगे थे, पंखा उल्टा तभी चला जब हम लोगों ने स्टार्टिंग वाइंडिंग के वायर के डायरेक्शन को चेंज किया। तो ये हो गया दूसरा पार्ट। अब तीसरे पार्ट में हम लोग क्या करेंगे पता है भाई, 14 और 15 यानी कि इवन और ऑड नंबर के खूब सारे कैपेसिटर्स इन सीरीज इस फैन में। और भाई मुझे तो ये समझ में नहीं आया कि क्या होगा, ना इसमें पोलैरिटी है, लेकिन फिर भी मैंने जोड़ दिया है सीरीज में, कुछ भी आ रहा नहीं कि क्या होगा, फैन चलेगा लगेगा या फिर चलेगा नहीं, चलो देखते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15 अभी 14 के साथ। ठीक है, यहाँ पे एक कैपेसिटर है 2.5 माइक्रो फैरेड का और 14 इन सीरीज।
तो देखो यहाँ पे सारा सिस्टम मैंने बना दिया है, इतने सारे कैपेसिटर जुगाड़ से लगा दिए, अब बस इन्हें चला के देखना। लेकिन उससे पहले मैं आपको पूरा कनेक्शन दिखा देता हूँ मैंने कैसे किया है। 14 लगे हुए हैं, एक फ्री है भी, ठीक है। और यहाँ पे जो कनेक्शन है, कॉमन वाला वाइट वाला फैन का वायर बीच में है, ब्लैक वाला नीचे है। फैन सीधा ही चलना चाहिए, लेकिन देखते हैं कैसा चलेगा या फिर जलेगा। तो यहाँ पे फैन चलने वाला है, 3 2 1 चला दो। तो ये देखो इतने सारे कैपेसिटर्स लगे होने पर फैन बहुत ही धीमे धीमे चल रहा है, लेकिन सीधा चल रहा है, हमें ये देखने को मिला। सीरीज में लगे हैं और फैन सीधा चल रहा है, स्पीड धीरे धीरे पकड़ रहा है। 14 कैपेसिटर्स हैं, अब हम लोग इनकी संख्या बढ़ा के 15 करने वाले हैं और देखेंगे क्या फ़ैन उल्टा चलेगा या नहीं। ये फैन सच में बहुत ही भयानक लग रहा है, तो इसके लिए एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बनता है, ठीक है। इतना दबाओ फटाक से। तो 15वें का भी कनेक्शन मैंने कर दिया है, ठीक है। अब हो गए ऑड नंबर के कैपेसिटर्स, एकदम लास्ट टेस्टिंग, ठीक है। बस चलाना ही बता, लेकिन उससे पहले 900 के कंप्लीट कर दो, अगर आप लोग चाहें तो आज करा सकते हैं। तो आज जल्दी से सब्सक्राइब करो और मैं इसे चलाता हूँ। 3 2 1 सीरीज में 15 का पैसा फैन चालू, और ये फैन अब तो हिल भी नहीं रहा है, ये कांप रहा है। देखो इधर उधर इधर उधर। अब मैं ऐसा करता हूँ, इसे हल्का सा डायरेक्शन दे देता हूँ। ओके, ये डायरेक्शन देने पर चला। अब मैं इसे हल्का उल्टा डायरेक्शन दे देता हूँ, तो ये उल्टा भी चल रहा। एक मिनट, एक बार सीधा, एक बार थोड़ा सीधा चलाता हूँ, तो सीधा चल रहा है। और अगर मैं इसे हल्का सा उल्टे की तरफ डायरेक्शन दे देता हूँ, तो भाई ये उल्टा भी शायद चल रहा है। अब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि अब की बार यहाँ पे क्या हो रहा है। देखो थोड़ी देर बाद थोड़ा सा तेज चलने लगा, लेकिन ये उल्टा ही चल रहा है। एक बार फिर से इसके डायरेक्शन चेंज करते हैं। अब की बार इसके डायरेक्शन में सीधा कर दिया हूँ और फिर थोड़ा वेट करते हैं। ले ओ, अब ये सीधा चलने लगा, उतना ही तेज चलने लगा, मतलब 15 कैपेसिटर्स में ये किधर भी चल रहा है, जिधर मनो उधर चल रहा है, बस धीमा चल रहा है, उल्टा सीधा सब चल रहा है, जबकि वाइंडिंग के कनेक्शन इसके एकदम सही लगे हुए हैं। तो कुछ ऐसा होता है, 14 और 15 कैपेसिटर सीरीज में लगा के फैन चलाने पर 14 पे उल्टा चला था और 15 पे उल्टा सीधा सब चल रहा है, लेकिन धीमा चल रहा है। तो इस वीडियो में बस इतना ही।